बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पूरे साल के मुद्दे पर जमकर मंथन हुआ। विकास के मुद्दों से लेकर राष्ट्रवाद तक के मुद्दों पर जमकर बातें की गईं और पार्टी की आगे की रणनीति भी तय हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जहां मोदी मंत्र ने कार्यकारिणी में नई जान फूंकी, तो वहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी बीजेपी फ्रंट फुट पर रहेगी। उन्होंने यह भी कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि हमारी सरकार का विकास जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी विरोधी ताकतें हमारे अभूतपूर्व कार्यों को व्यर्थ मुद्दे उछाल कर उलझाने की कोशिश कर सकती हैं ताकि वह जन सामान्य तक न पहुंच पाए। हमारे कार्यकर्ताओं को इससे पूरी तरह से अप्रभावित रहना है। और अपनी सरकार के रचनात्मक कार्यों को और जो कुछ भी विकास हुआ है उसको जन जन तक पहुंचाने में अपनी प्रभावी एवं सक्रिय भूमिका का निर्वाह करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने नेताओं से साफ साफ कहा कि सरकार का मंत्र सिर्फ विकास है। प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि बेकार के मुद्दों में नहीं उलझते हुए अपने विकास के एजेंडे पर चलना चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़बोले नेताओं को फटकार भी लगाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के बहकावे में आकर कुछ नेता चर्चा की पूरी दिशा बदल देते हैं। पीएम ने कहा कि जिनके पास 1 करोड़ रुपया नहीं होता वो भी 1 करोड़ का इनाम घोषित कर देता है, फिर बहस विकास से हटकर इन मुद्दों पर शुरू हो जाती है। प्रधानमंत्री ने अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि टीवी कैमरे आपको इसलिए नहीं खोजते कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि आप जो कहते हैं उससे सुर्खियां बनती हैं। नकारात्मक ताकतों को हराने के लिए बौद्धिक क्षमता और जानकारी बढ़ाने की जरूरत है। राष्ट्रवाद को पार्टी की ताकत बताते हुए पीएम ने कहा कि उनकी सरकार के 22 महीने के कार्यकाल में अब तक राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे व्यर्थ के मुद्दों में न फंसकर पार्टी के हित को आगे बढ़ाते रहें। गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन के बाद संवाददाताओं को मोदी के भाषण के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया। हमारी सरकार ने अपने 22 महीनों के कार्यकाल में जो कुछ भी किया है, आज तक हमारी सरकार के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। केवल आर्थिक भ्रष्टाचार की बात नहीं, कोई राजनीतिक आरोप भी हमारी सरकार के ऊपर नहीं लगा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का यह भी आह्वान किया है कि हम व्यर्थ के मुद्दों में न उलझें, हमें अपने एजेंडे पर चलना चाहिए। क्योंकि हमारी विरोधी ताकतों की यह कोशिश होगी कि हम व्यर्थ के मुद्दों में उलझे रहें और हमारी सरकार के जो कामकाज हैं उसकी चर्चा जन सामान्य में न होने पाए, यह उनकी कोशिश होगी। उन्होंने अपने भाषण में सूफी संप्रदाय का जो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसकी सफलता की भी उन्होंने चर्चा की है। कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि हमें एक ही मूल मंत्र लेकर आगे चलना है, वह मूल मंत्र है विकास, विकास, विकास। यही हमारी देश की सभी समस्याओं का समाधान है और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। बदलाव आ रहा है,
और विकास का भी चक्का तेजी के साथ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर खुशी जाहिर की है कि संगठन और सरकार दोनों साथ साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मुद्रा योजना की भी चर्चा की है और जो लोग इससे लाभान्वित हुए हैं कार्यकर्ताओं को उनसे जाना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। यदि उनके समक्ष कोई कठिनाई हो, कोई परेशानी हो तो उसकी जानकारी भी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के विकास की भी चर्चा की है। एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की यह रचना हुई है और मैं समझता हूं कि इस फंड से ट्राइबल क्षेत्रों का भी विकास होगा और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से इतनी धनराशि प्राप्त होगी कि शायद बजट से इन क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से एलोकेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। आजादी के बाद यह पहला अवसर रहा है 1 करोड़ जो समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं उन लोगों को गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए उन्होंने यह कहा है कि हमें समाज के जहां सभी वर्गों को जोड़ना है वहीं समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, उन तक भी हमें पहुंचना है। अपने कार्यकर्ताओं को टेक्नोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए। क्योंकि देश के विकास में टेक्नोलॉजी की अहमियत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी की जानकारी होने से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हम जन सामान्य की भावनाओं से भी अवगत हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित जी शाह ने का जो आज एक प्रधानमंत्री जी के बोलने के पहले जो एक कॉन्क्लूडिंग रिमार्क था उसमें उन्होंने कुछ कार्यक्रमों की रचना की है। मैं उन कार्यक्रमों की आपको जानकारी देना चाहता हूं। 14 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल, 14 अप्रैल यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है और 24 अप्रैल यह पंचायती राज दिवस है। और पूरे 10 दिन को हम लोगों ने ग्रामोदय से लेकर भारत उदय तक के दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। जानकारी है, इसकी जानकारी हो गई है, थोड़ी जानकारी होगी, पूरी जानकारी लीजिए। 14, 15, 16 अप्रैल को सामाजिक समरसता कार्यक्रम होंगे।
प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से अवगत कराएंगे। जो वहां के मेधावी बच्चे होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। हम लोगों को यह भी बतलाएंगे कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार की सोच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति क्या है। और 17, 18, 19 और 20 अप्रैल हर गांव में किसान, हर ग्राम पंचायत में किसान सभाएं आयोजित की जाएंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 आते आते हम इस देश के किसानों की आमदनी को दो गुना करेंगे।